ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर यूपीए में अलग से दूसरा मोर्चा बना लिया और अब इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस का साथ निभा रहे झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सुजान सिंह बुंदेला ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। 1970 से कांग्रेस का साथ निभाने की कसम खाया पुश्तैनी कांग्रेसी सुजान सिंह बुंदेला ने इस बार चुनावों में टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय समानता दल का दामन थाम लिया है। सुजान सिंह बुंदेला झांसी ललितपुर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा गांधी परिवार से भी उनका पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। उसके बावजूद भी आखिरी समय में सुजान सिंह बुंदेला की जगह मौजूदा कांग्रेस विधायक प्रदीप आदित्य जैन को टिकट देने से बुंदेला काफी नाराज है और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने राष्ट्रीय समानता दल का न केवल दामन थामा बल्कि इस पार्टी की ओर से वो चुनाव में भी खड़े हो गए हैं। ललितपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय नारायण दत्त तिवारी चौथे और पांचवे नंबर पे आए हैं। यहां की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को माननीय सुजान सिंह बुंदेला ने मजबूत बनाया है। उनके न रहते हुए ललितपुर शहर में कांग्रेस का वजूद खत्म सा हो चुका है। सुजान सिंह बुंदेला 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में चुनाव जीते थे। बुंदेला परिवार का कहना है कि सोनिया और राहुल ने उन्हें बुलवाया था और कहा था कि वो चुनाव की तैयारियां करें, उनका टिकट कंफर्म है, लेकिन अंत में उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस हाईकमान के इस निर्णय ने बुंदेला को बगावत के लिए मजबूर कर दिया। हमको सोनिया जी ने बुलाया था, राहुल गांधी जी ने बुलाया था, हम लोग गए, पापा गए, हमारे चाचा गए साथ में और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जाइए, आपकी टिकट कंफर्म है। बाद में अचानक इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ही हमारी टिकट काट दी और टिकट काटने का इनका क्या फॉर्मूला रहा है नीचे हमको पता नहीं है। बुंदेला परिवार के मुताबिक 2 लाख वोटर उनके साथ हैं। बुंदेला और उनकी पार्टी कहती है कि मुलायम हो या सोनिया, सुजान सिंह के सामने सब ठीक है। मुलायम सिंह हो चाहे सोनिया, हमारे नेता सुजान सिंह के आगे हमारे क्षेत्र में सब फीके हैं और हमारा नेता सुजान सिंह बुंदेला हर हालत में जीत के आएगा। अब कांग्रेस से धोखा खाए सुजान सिंह बुंदेला इन चुनावों में जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय समानता पार्टी का हाथ थामने वाले सुजान सिंह बुंदेला नेहरू जी को आदर्श मानते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर झांसी में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया। सुजान ने सभा को भी संबोधित किया। सुजान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे का राज हो चुका है। जब हमने थामा था उसकी सदस्यता ग्रहण की थी उस समय ये लगा था कि ये गांधी जी की पार्टी है, ये एहसास करते हुए हम कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। लेकिन जब देखा कि कांग्रेस में भी परिवारवाद हावी हो रहा है, वो आज भी हावी है। जैसा सिस्टम था, कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी होती, कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी होती, सबको ताक पर रखकर आज जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, माँ बेटे ने बैठ के टिकट का वितरण किया है, उससे हमें ऐसा लगा कि अब ये पार्टी हम लायक नहीं है। इंदिरा गांधी के जमानत से जुड़े कांग्रेस के साथ सुजान सिंह बुंदेला को 1 मिनट में कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर राजनीति है, ऐसा होता ही रहता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं चुनाव 2009।